तो हम लोग आज कुछ स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग किसे कहते हैं आप जानते हैं। अक्षर का समूह शब्द कहलाता है हिंदी में। कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग को हैंडलिंग करने का कुछ हम मेथड पढ़ लेते हैं आज, राइट। तो मेरे पास थोड़ा समय तो था पर इंटरनेट थोड़ा कम था, इसलिए मैंने क्या करा है कि कुछ प्रिपरेशन पहले से कर रखा है। यहाँ नीचे कुछ मेथड वगैरह मैंने रख रखा है, इतने मेथड का हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इंटरनेट थोड़ा कम था तो इसीलिए मैंने प्रिपरेशन कर रखा है जो है, और कम था तो हाइबरनेट का भी क्लास जो है नहीं ले पाया मैं पूरा आज, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला है लेंथ प्रॉपर्टी, राइट। तो मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे मैं आया ए डॉट एली लेंथ करूँगा तो जितना लेंथ है वो आ जाएगा। तो कॉपी फाइल पाथ करूँगा, ब्राउजर पे आके यहाँ पेस्ट करके रन कर दूंगा मैं। तो ये देखिए 62 आ गया लेंथ, राइट। 1 2 3 4 वाइट स्पेसेस को भी आप काउंट कर लीजिएगा, राइट। तो ये क्या करता है, गेट LNGTH लेंथ ऑफ गेट लेंथ, लेंथ गेट करेगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। ये वेरिएबल है, इसको मैं आ जाता हूँ सब स्ट्रिंग पे। अब यहाँ पे मैं करूँगा कंसोल डॉट एलओजी लॉग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग मेथड हमें किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर दे देता है, राइट। कैसे लिखा जाए, पहले लिखिए सब स्ट्रिंग, फिर इसमें दो पैरामीटर जाएगा, एक तो कहाँ से शुरुआत करना है और दूसरा पैरामीटर कहाँ एंड करना है, मतलब कितना कैरेक्टर आपको चाहिए, राइट। तो मैंने दे दिया 6। जैसे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मैं 10 टाइप कर देता हूँ, राइट। अब आप देखिएगा सब स्ट्रिंग इज नॉट सॉरी, मुझे यहाँ पे ए तो लिखना पड़ेगा, ए डॉट सब स्ट्रिंग। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो ये देखिए पूरी जावा स्क्रिप्ट हमारी आ गई। तो इस तरह से हम सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। ए जीरो को भी काउंट, वाइट स्पेसेस को भी आप काउंट करोगे, राइट। तो ये जो है सब स्ट्रिंग गेट करता है। अब नीचे भी है एक सब एसटीआर, ये क्या करता है, ये भी जो है हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ठीक। तो सब एसटीआर क्या करता है आप देख लीजिए, ये देखिए, तो ये भी सब स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देता है। अगला रिप्लेस आ जाता है। रिप्लेस क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर, राइट। सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे करा, एंटर करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग को करूँगा कमेंट, और हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग देना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग रिप्लेस करना है हमें, राइट। तो मान लीजिए मुझे जावा स्क्रिप्ट के जगह पे जावा लिखना है मुझे, तो कैसे करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं रन करूंगा प्रोग्राम तो देखिएगा क्या होगा, अनडिफाइंड इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, राइट। जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस तो कर दिया पर कॉमा देना पड़ेगा और उसके बाद दूसरा पैरामीटर देना पड़ेगा। क्यों, जावा स्क्रिप्ट को तो मैं हटा दूंगा पर जावा स्क्रिप्ट की जगह पे लिखना क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, जावा लिख दो यार, मजा आ जाए थोड़ा। ये देखिए जावा आ गया, राइट। मान लीजिए इसी जावा स्क्रिप्ट को मैं आखिरी में भी लिख देता हूँ, शायद ये प्रश्न आपके मन में आए, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट मैच को ही ये रिप्लेस करेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे जो रिप्लेस है ना, यहाँ पे आप चाहें तो पैटर्न भी लिख सकते हैं, राइट। कैसे लिखेंगे पैटर्न, ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए ऐसे, और फिर इसमें क्या लिख दीजिए, इसी जावा स्क्रिप्ट को मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब आप देखिएगा क्या होगा।
यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया इसने, रिप्लेस नहीं करा। यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ, तो ये कैश सेंसिटिव वगैरह का, ये तो पूरा साफ कर दिया ब्रदर, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ, मेरे दिमाग खराब हो गए हैं। ये ले लो, तो यहाँ पे भी ये देखिए जावा लिखा गया, और बाकी जो है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ही है, राइट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी, राइट, जी फ्लैग होता है, अगर उस फ्लैग को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जावा होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट होगा और यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट होगा, टोटल जावा स्क्रिप्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं टोटल, राइट। तो मैं जो है इसको दो तरह से लिखता हूँ, ऊपर भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे, राइट, लिख दूंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट रिप्लेस, यहाँ पे आल MATCH मैच ए स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक। तो इससे जो है जितना मैच का स्ट्रिंग रहेगा टोटल को मैच कर देगा, जी माने जी फ्लैग दे देते हैं तो ग्लोबल। मैं बाद में भी बताऊंगा इसको जो है ठीक से, और रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में और प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे तो भी जो है पता चल जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोग को, चलिए आगे चलते हैं। ये अपर कैस है, टू अपर कैस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा, और यहाँ पे जो है अपर कैस करूंगा, तो ए डॉट अपर कैस लिख दिया, राइट। अब आप देखिएगा कि क्या होता है, टोटल जो है करेक्टर अपर कैस में कर दिया, राइट। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, आ जाऊंगा नीचे, हम देखते हैं अब लोअर कैस। तो लोअर कैस को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। तो लोअर कैस वाला देखना अब क्या होगा, टोटल जो है लोअर कैस में कर दिया। अब आप कहोगे ऊपर तो सारा लोअर कैस में ही है, तो मैं इसको इज को अपर कैस में कर देता हूँ, राइट। अब देखिएगा लोअर कैस में ही है ये, तो ये अपर कैस लोअर कैस में ये करेगा, राइट। अगला है यहाँ पे कॉन्केट फंक्शन, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। कॉन्केट का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब 2 + 2 = 4 नहीं, 2 + 2 = 22, राइट। जैसे कॉन्केट, कॉन्केट का मतलब होता है 2 + 2 अगर हम करते हैं तो बराबर 4 नहीं होगा, बल्कि 2 + 2 = 22 हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्केट का मतलब यही होता है, राइट। अब कॉन्केट को इस्तेमाल कैसे करेगा कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और आई आई मैं यहाँ पे, राइट, ए डॉट कर देता हूँ, ठीक है, और कॉन्केट में आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ ACMANT, रन कर देता हूँ प्रोग्राम। आखिरी में देखिए कॉन्केट हो गया, मैं एक स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, तो स्पेस भी हो जाएगा। तो आप मल्टीपल वर्ड्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। जैसे कॉमा दिया, फिर स्पेस दिया, तो जैसे चारे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अगला है ट्रिम फंक्शन, ये है ट्रिम, राइट। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम फंक्शन वाइट स्पेस को रिमूव करता है, राइट। कैसे, तो मैं ए लिखता हूँ, फिर डॉट TRIM लिख देता हूँ, राइट। पहले ट्रिम में नहीं लिखता हूँ, पहले सीधा मैं प्रिंट कर देता हूँ, राइट। तो इसके पहले मैं इतना सारा स्पेस दे देता हूँ, इसके पहले भी रिप्लेस दे देता हूँ, राइट, वाइट स्पेस दिया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखिए आ गया इतना सारा स्पेस। लेकिन जब इसी पे मैं ट्रिम मेथड चलाऊंगा, TRIM, ट्रिम मेथड चलाऊंगा, तो क्या होगा आप देखिएगा, ये देखिए वाइट स्पेस गायब हो गया, इधर का भी इधर का भी, बीच का वाइट स्पेस रिमूव नहीं होगा। करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात यार, अभी तो मैंने बताया, इधर पे आना, इसी को हटा के स्पेस दे दो, तो जहां जहां स्पेस पार हो गया पूरा, ठीक है, तो पूरा जो है पार हो गया और लिखा गया जावा जावा।
ये जो ये है ना, ये वाला, इसके जगह पे भी जावा लिखा गया है। अगर मैं चाहता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए तो ये कर दूंगा। ये देखिए आ गया पूरा इसके बीच का वाइट स्पेस रिमूव। तो इस तरह से आप वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ जैसा था पहले, और यहाँ पे आ जाता हूँ, रिमूव वाइट स्पेस लिख देता हूँ, रिमूव इस वाइट इस स्पेस, राइट। तो ट्रिम से क्या होता है, वाइट स्पेस रिमूव होता है आगे पीछे का। अब यहाँ पे है ट्रिम स्टार्ट, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसी को मैं आ जाता हूँ पेस्ट कर दिया, ए डॉट करूँगा, राइट। ए वेरिएबल मेरा ऊपर है, तो देखिए ए है ए वेरिएबल, राइट। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों को कमेंट कर लूँगा। ट्रिम स्टार्ट का मतलब कि शुरुआत का स्ट्रिंग को ये रिप्लेस करेगा, मतलब ट्रिम करेगा। ये देखिए शुरू में जो स्पेस थे वो गायब हो गया, लेकिन आखिरी का इसके गायब नहीं हुआ है, राइट। स्टार्ट वाला स्ट्रिंग गायब करेगा, रिमूव स्पेस स्टार्ट, रिमूव स्पेस स्टार्ट एंड एंड, राइट। फिर अगला है ट्रिम इंड। ट्रिम इंड क्या करता है, लास्ट का जो स्पेस रहता है वो ट्रिम किया जाता है इसे। मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये स्टार्ट है इसको कर दूंगा मैं इंड, इसको मैं पूरी कमेंट कर दूंगा। तो अब आप देखिएगा इधर का स्पेस तो है लेकिन आखिरी का स्पेस नहीं है, डिलीट हो गया। तो ये जो है ट्रिम इंड आखिरी का जो है स्पेस को रिमूव करता है। अगला है कैर एट, ये क्या करता है बताता हूँ। कैरेट मेथड को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे ए लिखा, डॉट कैरेट कर दिया, ए नाम का जो वेरिएबल है वो ऊपर बना हुआ है। एट में क्या आएगा, यहाँ पे दिया जाता है पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन में किसे कह रहा हूँ तो बता रहा हूँ, जो जे है, मैं वाइट स्पेसेस जो है ना रिमूव कर देता हूँ इसका, पहले तो कर दिया। अब जीरो लिखूंगा, जीरो मतलब जावा, जावा नहीं सॉरी, जीरो मतलब जे, वन मतलब ए, और टू मतलब वी, ठीक है। तो इस तरह से 0 1 2 3 काउंटिंग करूंगा सबको मैं, राइट। अब जीरो मैं दे दूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा जे। ये क्या बोल रहा है, नॉट कंसोल नहीं है, डॉट लॉग होता है, राइट। ये देखिए जे आ गया। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग में से कोई भी एक कैरेक्टर आपको निकालना है, तो उसका आप इंडेक्स देंगे, और वो इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जो डेटा होगा उस कैरेक्टर को, उस डेटा को निकाल के हमें दे देगा, राइट। गेट कैर इन strlen स्ट्रिंग। अगला है कैर कोड, अगला है कैर कोड। कैर कोड क्या करता है बताता हूँ, पोजीशन दिया जाएगा यहाँ पे। कैर कोड क्या करेगा कि उसका जो है कोड वो दे देगा, जैसे 97 यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो ए का आस्की कोड है 97, ए कहाँ से लिया, तो जे आ गया दूसरे पे और ए आ गया पहले पोजीशन पे, ए है, ठीक। 0 पोजीशन पे जे है, पहले पोजीशन पे ए है, तो ए का आस्की कोड होता है 97, तो वही आस्की कोड दे रहा है। तो आस्की कोड जावास्क्रिप्ट से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला है स्प्लिट फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग। स्प्लिट माने क्या, तोड़ना। गेट आस्की
कोड कमेंट कर दिया। अगला है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट माने तोड़ना, तो ए माने स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर दूंगा मैं। अब स्प्लिट के अंदर क्या आएगा, कोई भी स्पेस, कोई भी जो है स्पेशल यहाँ पे कोई भी करेक्टर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस दे दिया, राइट। तो अब वाइट स्पेस के माध्यम से जहाँ जहाँ पे वाइट स्पेस है यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ देगा, इन सब स्ट्रिंग को तोड़ देगा और एरे के रूप में हमें दे देगा। ये देख लो, तोड़ दिया और एरे के रूप में हमें दे दिया। यहाँ कुछ नहीं था, वाइट स्पेस था, इसीलिए जो है वाइट स्पेस को दे दिया। तो क्या करता है स्प्लिट मेथड, तोड़ता है स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्या लिखूँ, तोड़ता है स्ट्रिंग, आप याद रख लो, राइट। उसके बाद क्या है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इंडेक्स, यहाँ पे ए डॉट इंडेक्स, राइट। इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर दूंगा, जैसे क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैं डबल कोट में, राइट। तो ये स्ट्रिंग, ए वाले स्ट्रिंग में अगर होगा तो उसका इंडेक्स निकाल के देगा। इंडेक्स माने 0 1 2 3, राइट। जैसे जे किस इंडेक्स पे है, बाकी बाकी किस इंडेक्स पे है, तो उसी तरह से ये इंडेक्स लैंग्वेज का निकाल के दे देगा, राइट। तो देखते हैं क्या इंडेक्स है इसका, ये देखिए 54 है इंडेक्स, राइट। अगर मैच करता है, राइट, इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी लैंग्वेज है, तो क्या देगा, उसका इंडेक्स निकाल के हमें दे देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा कोई। लेकिन मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में SEA में NT नहीं है, इसका इंडेक्स क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट। तो ये है इंडेक्स मेथड, गेट इंडेक्स इन स्ट्रिंग, ये लिख देंगे हम। अगला है लास्ट इंडेक्स, राइट। तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। लास्ट स्ट्रिंग से क्या मतलब है, लास्ट स्ट्रिंग से मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिंग देना है, जैसे जावा स्क्रिप्ट मैंने दे दिया, राइट। अब जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लास्ट वाला इंडेक्स निकाल के ये देगा, ठीक। मुझे यहाँ पे ए लिखना चाहिए ना, ए डॉट, तो यहाँ पे 63 दे दिया, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे था, स्ट्रिंग के लास्ट में था जी, तो इसीलिए लास्ट वाला दे दिया हमें, ठीक है। गेट लास्ट इंडेक्स। अगला देखते हैं स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ का क्या मतलब है, नाम से स्पष्ट है यार, सारा के सारा मेथड नाम से ही स्पष्ट है। स्टार्ट विथ किससे हो रहा है, स्टार्ट जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है क्या, अगर होगा तो क्या दे देगा, लाइव देख लो क्या दे देगा, हम क्यों बताएं आपको, आप भी तो कुछ दिमाग लगाओ अपना, ट्रू दे देगा। लेकिन मान लीजिए SEA में NT है क्या, फर्स्ट में नहीं है, तो फाल्स दे देगा, दुनिया का आसान काम यह है। चलिए जी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, गेट ट्रू एंड फाल्स, राइट। ये ट्रू फाल्स देगा, अगर मैच करेगा तो ट्रू, अन्यथा फाल्स, राइट। आखिरी में अब आता है जी सर्च। सर्च मेथड क्या करता है, देख लो आप, अब हम क्या ही अपने जुबान से बोले। जावा स्क्रिप्ट मैंने लिखा और इस सर्च मेथड को क्या किया, यहाँ पे आया, राइट। सर्च जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, राइट। आ जाइए ए नाम के वेरिएबल में आ गया,
मैं इज को ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक, 11 आ गया, राइट। 11 कैसे आ गया जी, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 इंडेक्स पे जो है वाइट स्पेस को लेकर के मैंने एक से गिना है, 0 से गिनिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11वें इंडेक्स पे मिल रहा है, तो इसीलिए क्या रिटर्न कर दिया, 11, राइट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं क्या किया, SEMANT, ऐसा स्ट्रिंग जो है ही नहीं उसमें, तो क्या रिटर्न कर देगा, नल, ओ सॉरी, -1 रिटर्न करेगा, राइट। नल मैच मेथड शायद रिटर्न करता है, तो क्या करता है, गेट MATCH मैच स्ट्रिंग इंडेक्स, राइट। अब हम देखेंगे मैच मेथड, राइट, मैच मेथड को मैं यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे आऊंगा और पेस्ट करके रन कर दूंगा सीधा, क्या रिटर्न कर दिया, नल है ये नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा स्क्रिप्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो मैच करेगा वो स्ट्रिंग जो है रिटर्न करके दे दिया, ये देख लीजिए, मैच किया तो पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक दे दिया रिटर्न करके, राइट। तो यही है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न जो है कर दिया पूरा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, SEMANT, तो क्या रिटर्न कर देगा, आप जानते हैं कि क्या रिटर्न करेगा, नल। अब आप चाहें तो यहाँ पे पैटर्न भी पास कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये लिखा यहाँ पे और लिखा यहाँ पे मैं AZ, राइट, पैटर्न मैंने पास कर दिया, तो क्या रिटर्न किया, नल, राइट। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा जी, आप लोग बड़े समझदार लोग हो, ये देखिए रिटर्न कर दिया पूरे के पूरे, इसका क्या मतलब है, ये मैच कर गया, ठीक। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, ए और हाइफन जेड, राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए नाम का स्ट्रिंग है इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर है जो ए से जेड तक स्मॉल का हो, इसमें से कोई कैरेक्टर है तो हाँ है, जाहिर सी बात है, तो जो है रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट जो है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 0 to 9 अगर कर दूंगा तो क्या है, 0 to 9 तो है ही नहीं है, तो क्या करेगा रिटर्न, आप देख लीजिए, नल रिटर्न कर देगा। तो एक क्या है पैटर्न देने का, फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश लिखे, राइट, फिर उसके बाद क्या लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद लिखे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन दीजिए, राइट। मान लीजिए कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक मैच कर रहा है क्या, तो देखिए मैच किया है, कहाँ पे मैच किया है, तो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसको भी क्या कर दीजिए, ईज कर दीजिए, तो अब तो कैपिटल मैच ही नहीं करेगा, जब मैच ही नहीं करेगा तो नल आ जाएगा, तो ये वैलिडेशन वगैरह में काम आएगा। और जहाँ पे सर्चिंग वगैरह के रिलेटेड काम किया जाता है वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे मैंने यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत पावरफुल चीज है रेगुलर एक्सप्रेशन, जहाँ पे सर्चिंग के रिलेटेड काम किया जाता है, तो पैटर्न वगैरह के आधार पे जो है काम किया जाता है, राइट। चलिए जी, तो हमारे पास इंटरनेट थोड़ा कम बचा था तो इसलिए हम क्लास आज ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, चलिए बाकी जो है हम कल देखेंगे।